आपके पति बिल्कुल ठीक हो गए, आप अच्छे से इनका ख्याल रखिएगा। आपने मेरे पति की जान बचाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर, आपका ये कर्ज मैं। अरे कर्ज नहीं, सिर्फ और सिर्फ फर्ज, मैंने अपना फर्ज निभाया। क्यों ठीक है, आपने एक सेकंड की भी देरी नहीं की इनके इलाज करने में, क्या आप ही का प्रयास है? जो आज योगेश मेरे साथ घर वापस जा रहे हैं, आप अपनी तकलीफ का इलाज कब करेंगी? मुझे उस दर्द के बारे में पता चला जो आपने अपने हंसते हुए चेहरे के पीछे छिपा रखा है। मतलब मैं जानती हूँ आपको किसी और औरत की कोख चाहिए अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, और अभी तक आपको ऐसी कोई औरत मिली नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपके बच्चे को अपनी कोख देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए इतनी बड़ी चीज क्यों करना चाहती है? बड़ी चीज आपने जो हमारे लिए किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है, और ये करके भी मैं आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगी, पर मेरे दिल को सुकून मिलेगा कि मैं आपके कुछ काम आ पाई। गुम है किसी के प्यार के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि सई का पेशेंट योगेश पूरी तरह ठीक हो जाता है, और सई उसकी पत्नी से कहती है आप अपने पति को घर ले जा सकती हैं और आपको रेगुलर चेकअप के लिए इन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ेगा। तो वो खुश होते हुए सई को कहती है कि मैं आपका ये कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी, आपकी वजह से ही आज मैं अपने पति को घर लेकर जा रही हूँ, आपने इनके इलाज में एक मिनट की भी देर कर दी होती तो शायद आज ये नहीं बचते। इस पर सई कहती है ये कर्ज नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, मेरी कोशिश यही रहती है मेरा हर पेशेंट ठीक होकर अपने घर वालों के पास जाए। सई कहती है इसी में मुझे खुशी मिलती है। तो वो कहती है कि और डॉक्टर आपकी खुशी का क्या, मुझे नर्स कविता से पता चला कि आपने अपने बच्चे को खो दिया है और अब आपको अपने बच्चे के लिए किसी औरत की कोख की ज़रूरत है, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, मैंने और मेरे पति ने मिलकर ये फैसला किया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपके बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखूँगी। सई ये सुनकर खुश हो जाती है और उससे पूछती है तुम मेरे लिए ये क्यों करना चाहती हो? तो वो कहती है कि क्योंकि आपने मेरे पति की जान बचाई है, तो क्या मैं आपके लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती? इस पर सई बहुत खुश हो जाती है।